हेलो दोस्तों, मैं रत्नेश स्वागत करता हूँ आप सभी का आरडीवी क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी आप अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन जमकर कर रहे होंगे। जैसा आपको पता है कि एग्जाम्स की डेट धीरे धीरे पास में आ रही है, तो आपको जरूरी है एक बेहतरीन मॉक टेस्ट की, जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं होमवर्क के साथ आज की सीरीज का, जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आइए, होमवर्क का पहला क्वेश्चन मेरा है कि जो मैंने दिया था कि एक नाव को अनुकूल धारा में बिंदु ए से बिंदु बी तक, प्रतिकूल धारा में बिंदु ए तक पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। यदि प्रवाह का वेग 2 किलोमीटर पर हावर हो तो नाव तो पानी में नाव की चाल कितनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो ए और बी की बीच की दूरी क्या होगी, यही पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। दिया है ए और बी, 2 पॉइंट दे दिए थे और बोला था कि पहले अनुकूल चल, ठीक है, ए और बी तक कितना अनुकूल जाता है, ठीक है। अनुकूल का मतलब पानी के सपोर्ट में जाता है और वापस आता है। तो ऐसा करने में उसे कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं। और पूछ रहा है, इसमें दे दिया आपको एक्स का मान दे दिया 4 किलोमीटर पर हावर। ये एक्स क्या होता है, एक्स क्या होता है मेरा नाव की चाल होती है। और वाई क्या दे दिया है, वाई का मान कितना दे दिया, 2 किलोमीटर पर हावर दे दिया था। अब आपको एक रिलेशनशिप पता होगा इसमें, वो रिलेशनशिप क्या है आपका, तो आपको एक रिलेशनशिप पता होगी क्या, टाइम इक्वल टू क्या होता है, मेरा टाइम इक्वल टू क्या होता है, 2d into x और क्या, x² - y² इसी पे आपको रखना है सारा डाटा और आपको आंसर आ जाएगा। तो t कितना है, 4 = क्या 2 × d, कितना दिया d हमें पता करना था डिस्टेंस, और x कितना दे दिया, 4 दे दिया, और यहाँ से क्या हो जाएगा 16 - 2 × 4। तो मेरे पास क्या आएगा, 4 से 4 काट दो, मेरे पास क्या जाएगा 1 = 2d/12। तो 2 × 1 = 2, 2 × 12, तो यहाँ से d का मान क्या निकल जाएगा, 6 किलोमीटर। तो जिन स्टूडेंट का 6 किलोमीटर आ रहा था वो बिल्कुल सही कर रहे थे, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या था, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर था। आइए शुरू करते हैं आज की सीरीज के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आज की सीरीज का क्वेश्चन है मेरा, कह रहा है कि एक सम बहुभुज का बाह्य कोण कितना है, 72 डिग्री है, तदनुसार उनके सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा। इंटरनली मतलब आंतरिक कोणों का योग पूछा है। तो देखो, आपको पता होगा कि किसी भी पॉलीगंस में, किसी भी बहुभुज में क्या होता है, बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री है तो उसमें साइड कितनी रही होंगी, तो साइड बराबर यानी एन बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री / 72, तो कितना, 36 × 36 = 72, तो कितना आएगा, 2 × 2 = 5 = 10। तो उसमें उस पॉलीगन में कितनी साइड रही होंगी, 5 साइड रही होंगी। अब आंतरिक कोणों का योग का फार्मूला क्या होता है, आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, देखो ब्रैकेट में क्या होता है, n − 2 × 180 होता है। तो यहाँ पर साइड, यहाँ पर n क्या है, n साइड्स है, तो 5 साइड थी इसकी, तो 5 − 2 और कितना, × 180, तो कितना हो जाएगा, 18 × 54, तो कितना इसका आंसर आ जाएगा, 540 डिग्री। आंतरिक कोणों का मान कितना रहा होगा, 540 डिग्री है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपका मॉक टेस्ट है, आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हर एक क्वेश्चन के पीछे मिनिमम समय में कैसे सॉल्व करना है यही आपको देखना है, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन अगला है क्या, cot 1° and cot 2° and cot 3° ... cot 90° है। इसको देखते ही सब स्टूडेंट्स आंसर तुरंत क्लिक कर दिए होंगे, फिर भी मैं इसको समझाना चाहता हूँ। क्या है कि cot 1° ठीक है × cot 2° और ये कहाँ तक है, cot 90°। अब आपको पता होगा cot 90° का मान 0 होता है, तो जब ए भी सभी मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोला है w = −2x and x = 3y = 0 and z = −1/2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, इतनी कितने की वैल्यू फाइंड करनी है, रूट एक्स और कितना एक्स प्लस WZ, इसका मान आपको पता करना है, इसका मान क्या दे दिया है, सबका मान पुट अप करते चलेंगे। यहाँ से x का मान 3 है, यहाँ पर 3 करेंगे और यहाँ प्लस है। देखो W का मान क्या दे दिया है क्वेश्चन में, −2, और इसका मान क्या दे दिया, −1/2, ठीक है। अब क्या करेंगे,
यहाँ पर थ्री है ये, ठीक है, तो कितना हो जाएगा थ्री और यहाँ पर थ्री और प्लस वन, तो कितना आ जाएगा तीन और प्लस माइनस टू, क्योंकि फोर का क्या होता है टू होता है रूट में, तो इसको क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस सिक्स लिख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला एक पेड़ जड़ से टूटकर एक भवन पर 45 डिग्री के साथ लगा हुआ है, यदि पेड़ के जड़ से भवन की दूरी 200 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई क्या होगी। कोई पेड़ था वो टूट करके, ये अगर भवन रहा होगा ये टूट करके कितने 45 डिग्री पे रुका हुआ है, ठीक है, और ये कह रहा है यहां से यहाँ के बीच की दूरी कितना दे दिया है 200 मीटर दे दिया, तो भवन की ऊंचाई ये ए भी कोई भवन रहा होगा, ठीक है, और ए सी कोई पेड़ रहा होगा। अब जैसे ही आपको पता चलता है यहाँ 45 डिग्री है, तो आपको एक रिलेशन पता होगा क्या कि 45 डिग्री पर क्या हाइट उसके परछाई के बराबर होती है, चाहे आप वहां से लगा लेते तो क्या होगा टेन 45 डिग्री स्क्वायर पे क्या हो जाएगा हाइट अपान मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस, तो यहाँ से कितना आ जाएगा वन अपान वन हो जाएगा, और कितना हो जाएगा एच बटन 200, यहाँ से एच का मान क्या निकल के आएगा 200 मीटर, तो भवन की ऊंचाई कितनी रही होगी 200 मीटर रही होगी, तो ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा 200 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चौकोर की भुजा दोगुनी की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। चौकोर का मतलब बात कर रहा है एक स्क्वायर की बात कर रहा है, और स्क्वायर की भुजा को दोगुनी कर दी जाती थी, मतलब दोगुनी कर दी जाती ये भुजा ए ए रही होगी ये, आपको एक डायरेक्ट होगा कि एरिया में वृद्धि का एक फार्मूला होता है, जब भी दो गुना तीन गुना चार गुना कुछ भी कर दिया जाए तो एरिया में वृद्धि क्या होता है, एरिया में वृद्धि का फार्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस वन और मल्टीप्लाई 100%, ठीक है, ये क्या होता है 100% होता है, तो कितने गुना दो गुने की बात कर रहा है, तो दो का स्क्वायर माइनस वन और कितना ये कितना हो जाएगा 100% तो कितना हो जाएगा ये दो दूना चार तीन गुणे 100% तो कितना हो जाएगा 300% हो जाएगा। जिन स्टूडेंट को इस तरह से समझ में नहीं आया वो एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ उससे भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 300। अगर आप ऐसे नहीं लगाना चाहते तो अगर एक जब इसकी लंबाई दोगुनी नहीं की गई होगी तब इसका एरिया क्या रहा होगा, भुजा का स्क्वायर ही तो होता है एरिया, ठीक है, अब कह रहे हैं इसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो मतलब क्या होगा 2a × 2a कितना हो जाएगा 4a² अब कितने की वृद्धि हो गई, देखो 3a की वृद्धि हुई है और किस पे हुई है ए स्क्वायर पे हुई, तो इसका परसेंटेज अगर निकाला होगी तो क्या जाएगा कितना आ जाएगा 300% आ जाएगा, इस तरह भी लगा सकते थे आप, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार बर्तन में पानी भरा हुआ 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को पानी में पूरी तरह डुबाने तक उतारा जाता है तो बर्तन में जलस्तर कितना बढ़ेगा। देखिए ये बात की गई है कि एक हमारे पास कोई बेलन था ऐसे, ओके ये बेलन था, इसमें कोई यहाँ तक पानी भरा हुआ था, अब इसको कह रहे हैं कोई यहाँ पर गोला है और पूरी तरह मतलब यहाँ तक पूरी तरह इसे उतारा गया, इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है 3 दे दी गई, और इसकी 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 जो त्रिज्या दी गई है इसकी कितनी दी गई है अगर ये 4 है, तो इसको जब भी कोई गोला किसी पानी में उतरेगा तो अपने आयतन के बराबर ही पानी को ऊपर ढकेलेगा, तो क्या होगा तो बेलन का आयतन क्या हो जाता है πr²h, और एक इसको गोले के गोले के साइड को क्या करेगा दबाए, जब गोला नीचे आएगा तो क्या होगा ये अपने आयतन के बराबर ऊपर भेजेगा, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³ होता है। देखो इसका भी मान दिया इसके भी मान दिया, अब यही पूछा था कि पानी कितना ऊपर पड़ जाएगा, तो यहां से इसका कोई मतलब नहीं था इसको काट दिया, r का मान कितना दिया 4, r का मान कितना दिया 4 × 4 और यहाँ पर यस दे दिया, और यहाँ पर क्या है 4 × 3 × 3 × 3 कर देंगे क्योंकि मेरे गोले का आयतन कितना दिया 3 दिया था, तो काटेंगे क्या क्या कट रहा है ये कट जा रहा है और यहाँ से ये कट जा रहा था, h का मान डायरेक्टली क्या आता है 3^9/4 इसका डायरेक्ट मान क्या होता है 2.25 होता है, ठीक है, तो कितनी ऊंचाई बढ़ जाएगी इसकी 2.25 सेंटीमीटर पानी ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है कि एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल
83 और शेष कितना 3 प्राप्त होता है, भाज्य क्या है, भाज मतलब भाजक क्या है, आपको एक डायरेक्ट पता होगा भाजक बराबर क्या होता है, भाजक बराबर क्या होता है, भाज्य माइनस शेष फल क्या, भाज्य माइनस शेष फल और बटा भागफल। तो आपको पूछा था भाजक क्या होगा, तो भाज्य दिया है कितना दिया है 14,528 और यहां से 3 सब्ट्रैक्ट करके इसको 83 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा ये 14,525 भागे 83, तो इसको काटेंगे कितनी बार, 83 और 7 बार और फिर 5 बार, तो कितना आ जाएगा 175 आ जाएगा भाजक उसका, कितना आ जाएगा 175 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बोला है कि 56 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 35 माइनस 45 डिवाइड बाई 3 एंड डिवाइड बाई 4 अगेन, तो कितना दे दिया 56 दिया आपको, दिया कितना 56 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 35 माइनस 45 डिवाइड बाई 3 और अगेन क्या दे दिया डिवाइड बाई 4 दे दिया, ठीक है इतना दे दिया। अब इसको सॉल्व करना था आपका, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, तो कैसे करेंगे आप कि यहां से पहले छोटे ब्रेकर को सॉल्व करेंगे, इतना आ जाएगा 56 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई यहाँ कितनी बार जाएगा 15 45, तो 5 बार जाएगा और डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। अब क्या करना है कि 56 डिवाइड बाई 7 अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा और 20 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, तो डिवाइड का अब आ गया नंबर, तो कितना आ जाएगा ये 8 बार जाएगा और कितनी बार ये जाएगा ये 5 बार, तो कितना आ जाएगा फाइनली 40 इज द राइट आंसर। गलती कहाँ करते हैं लोग कि क्या करेंगे पहले इसको सॉल्व करने के, पहले इसको सॉल्व करेंगे या पहले यहां से शुरू कर देंगे, तो यहीं से आपकी गलती हो जाएगी, हमें क्या बोडमोस रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है इसको, ओके तो आपकी गलती नहीं होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कह रहा है किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपए है, तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा, आपको सीधी वैल्यू दे दी है, कितने दे दिया है 2/3, 2/3 मान दे दिया है 2200 दे दिया, ठीक है अब देखो ये कितना दे दिया, एक पूरा कंप्लीट मान कितना है इसका 1100, इसका कितना हो जाएगा एक का मान कितना हो जाएगा 3300 हो जाएगा, और इसका कितना बड़ा कौन सा पार्ट पूछ रहा था 3300 का कितना 11/3 भाग पूछ रहा था, कितना पूछ रहा था 3/11 सॉरी, कितना पूछ रहा था 3/11 भाग, ये कितना बार जाएगा 3 × 9, तो कितना हो जाएगा ये 900 हो जाएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये मॉक टेस्ट है, इसमें आपको स्पीड मेंटेन करनी है, कैसे कैसे क्वेश्चन कह रहा है बस उसकी लैंग्वेज को समझोगे आप आसानी से सॉल्व करते चले जाओगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कह रहा है रूट टू की वैल्यू कितनी 1.412 दी है, तो किसका मान फाइंड आउट करना है 7/3 प्लस रूट टू का मान ज्ञात करना है, कैसे इसको ज्ञात करते हैं देखिए, आपको दे दिया इसमें रूट टू का मान, अगर नहीं भी दिया होता तो आपको याद होना चाहिए जनरली कितना कितना होता है 4142 होता है, ठीक है। अब इसको देखो किसका मान पूछ रहा है कि 7/3 प्लस रूट टू का मान पूछ रहा है, अब देखो कैसे करना है, अगर आप यहाँ डायरेक्टली मान रखते हैं तो आपको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम्स होगी, क्या करेंगे इसका परिमेयीकरण कर देंगे और परिमेयीकरण करेंगे तो यहाँ नीचे करते हैं कितना हो जाएगा 7/3 √-2 और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 9 − 2, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 7√3 √-2, ठीक है। अब यहाँ से 7 कैंसिल आउट, आपको कैलकुलेशन आपकी इजी हो गई, 3 में से कितना कटाएंगे अंडर रूट 2 का मान कितना 1.4142, जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 1 − 5858, तो कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दोस्तों अगर आपको इस मैथ की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां से आप डेली पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, आरडी क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि एक रेजिमेंट में सिपाहियों को 10, 15 अर्थात 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। देखो जब भी न्यूनतम संख्या का मेंशन करे क्वेश्चन में तो आपको तुरंत आइडिया आ जाना चाहिए कि क्या पूछ रहा है। एलसीएम पूछ रहा है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आपको संख्या दे दी गई है कितनी, 10, 15 और 20 दे दी गई। इसका हम जैसे एलसीएम लेंगे तो दोस्तों करेंगे ये कितनी बार, 5 टाइम जाएगा, ठीक है। ये कितना, 15 और कितना, ये 10, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 2, 5 और ये 15 कितना, 5 हो जाएगा। अब कितने से करेंगे, 3 से करेंगे कितना, 5, 5 और कितना, 5, और फिर इसको 5 से काटेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 and 1 and 1। लेकिन कंडीशन क्वेश्चन में क्या दिया है कि मुझे पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है, मतलब पूर्ण वर्ग करना है, तो हमें पता है कि इसका तो पेयर बन रहा है बट 3 और 5 का पेयर नहीं बन रहा, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, 1 3 की और जरूरत पड़ जाएगी और 1 5 की और जरूरत पड़ जाएगी, तभी ये जाके स्क्वायर में बनेगा। तो कितना हो जाएगा इसका, 2 × 3 × 5, मतलब इतने की पंक्ति बननी चाहिए, ठीक है। तो कितना, 3 × 2 = 6 × 5 = 30 का स्क्वायर कितना होगा, 900। तो मेरे पास कितने टोटल बंदों की जरूरत होगी, कितने, 900 की, ठीक है। तो मेरे पास, मैंने इसे 3 और 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि उसको क्या चाहिए था, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, ठीक है। तो मेरे तो कितनी संख्या हो जाएगी, 900 हो जाएगी, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है कि एक मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात कितना है, 7:1 है। इस मिश्रण के शेष 72 किलोग्राम में कितना सीमेंट और मिला देना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण कितना हो जाए, 6:1 हो जाए। देखो आपका रेत और सीमेंट का रेशियो दिया है, कितना दे दिया है, रेत और सीमेंट का रेशियो दे दिया कितना, 7:1 दे दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये कितना है, 72 किलो रहा होगा मिश्रण, तो कितना इसका मान कितना आ जाएगा, रेत का कितना आ जाएगा, एक्चुअल में मान 8 यूनिट का मान 72 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो 963 ये रहा होगा, और ये कितना रहा होगा, ये 9 रहा होगा, ठीक है। तो मेरे पास आप कह रहे हैं कि कितनी सीमेंट और मिला दी है, तो सीमेंट मिलाना है मुझे इसमें, रेत में कुछ नहीं करना, तो सीमेंट में मैंने कहा कि एक्स मिला देते हैं, तो इसका रेशियो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 63 = 9×54 +6x, तो 6x का मान कितना निकल के आएगा, 9, ठीक है। 6x का मान इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 9, तो x का मान कितना हो जाएगा, 9/6, इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा, 3/2, तो किसका, 1.5 kg, 1.5 kg अगर इसमें मिला देंगे तो इसका रेशियो कितना आएगा, 6:1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला है कि 20 लीटर तथा 36 लीटर के 2 मिश्रण में स्पीड और पानी का अनुपात कितना है, 3:7 है और p/q है। कह रहा है दोनों मिश्रण को आपस में मिक्स किया जाता तो नए मिश्रण में स्पीड और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 27:29 हो जाता है। तो कह रहा है पी और क्यू का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे इसको लगाते हैं, 2 मिश्रण मेरे पास थे, कौन से 2 मिश्रण थे, 1 20 लीटर का था, 1 36 लीटर का था। ये इसमें कह रहे थे इसका रेशियो कितना रहा, इसका रेशियो 3:7 था और इसका पी और क्यू था, तो 3:7 था इसका, इसका मतलब क्या था कि ये क्या है, मेरे को दे दिया है स्प्रिट, ये क्या है, स्प्रिट है और ये क्या है, वाटर है, ठीक है। इन दोनों का रेशियो दिया था, स्प्रिट अगर 20 लीटर है तो उसमें 3:7 में है, तो मेरे पास स्प्रिट का स्पीड कितने लीटर रहा होगा, 10/20 के दिया, तो 1 = 2 के, कितना होगा ये, 6 और ये कितना हो जाएगा, 6 लीटर ये रहा होगा, 14 लीटर ये रहा होगा। अब कह रहे हैं इन दोनों को जब मिक्स किया जाता है तो इनका रेशियो कितना आ जाता है, 29:, इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो कह रहे हैं इनका रेशियो कितना आ रहा है, 27:29, ठीक है, 27:29 आ जा रहा है जब इसको मिलाया जा रहा है, मतलब इसके पार्ट को अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं क्या मिलाता, ये हो जाता। तो देखो यहाँ पर 27 आ रहा है, इसका मतलब क्या रहा होगा, यहाँ पर 21 और यहाँ पर 29 आ रहा है, इसका मतलब क्या रहा होगा, 15। मतलब P और Q का अनुपात कितना रहा होगा, 21 और 15 रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअल में देखो 21 15 कितना, 36 दिया था, हमें पता चल गया कि इनका अनुपात कितना रहा होगा, 21 और 15 के रेशियो में रहा होगा, ठीक है। इनको काटेंगे तो 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, तो कितना, 7/5। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं,
दो मिसरर था मेरा, मिसरर वन वन और ये टू था, इसका रेशियो दे दिया, इसका रेशियो नहीं दिया था, इन दोनों को जब मिक्स किया जाता है तो इनका रेशियो कितना आ जाता है 27:29 आ जाता है। ये कब हो रहा है तो हमें पता चल गया 6 लीटर क्या था स्प्रिट और 14 लीटर वाटर था। तो ये 27:29 में कब होंगे, जब इसमें 21 मिला रहा होगा, इसमें 21 का ये 21 का मान रहा होगा, ये 15 का मान रहा होगा। तो क्या मुझे पता चल गया पी एंड क्यू का मान कितना, 21:15 चल गया, और क्या होगा 7:10, 3 से काटेंगे 3 7 21 3 5 15, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि 9 के प्रथम 30 गुर्जों का औसत क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया है कि 9 के प्रथम 30 गुर्जों का औसत क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है हमें, आपको अगर फार्मूले से समझना है तो देख समझ लेना क्या, कि अगर एक कोई संख्या है और इसके प्रथम पूछ कह रहा, प्रथम यन गुर्जों का औसत पूछ रहा, तो इसका मान क्या होता है, यन गुड़े ए, ठीक है, और बटा क्या है 2, तो मेरे को 9 बोला था, 9 प्रथम, 9 के प्रथम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 प्लस कितना 9 गुड़े कितना 30 और बटा 2, ऐसे सॉल्व करने के तो मेरे पास क्या आएगा 2 1 के 2 4.5 गुना 9, और इसको काटेंगे 2 1 के 2 15 गुड़े 9, तो कितना आएगा 4.5, ठीक है, और प्लस 15 9 135 135 जोड़ेंगे इसको कितना आ जाएगा 139.5, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा 139.5। ये क्वेश्चन ये आप रख लेना कि ये एवरेज का फार्मूला होता है जब भी यन गुर्जों का बोलेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बात कर रहा है कि राम तथा मोहन के उम्र का अनुपात 4:5 है, यम राम और अनिल का उम्र का अनुपात कितना है 5:6 है, कह रहे हैं यदि उनकी उम्रों का योग कितना 69 है तो राम की उम्र का योग, राम की उम्र कितनी रही होगी, ठीक है, कितनी राम की उम्र रही होगी। देखो राम और मोहन का दे दिया था, अगर आर को राम से डिनोट करें और मोहन का दे दिया तो इनका रेशियो कितना दे दिया है, कह रहा है कि इनका रेशियो कितना है 4:5 है, और दूसरे में क्या बात कर रहा है कि राम और अनिल का, राम और अनिल का रेशियो कितना दे दिया है, इसमें 5:6 दे दिया। अब देखो यहाँ पर ये क्या, राम का 4 यहाँ पर 5 यहाँ पर 4 है, तो इसको हम बराबर करते हैं, बराबर करने के लिए 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से इसको, तो कितना 5 20 और 5 25 ये तो हो जाएगा इसको 5 20 और ये कितना हो जाएगा 6 24, तो मेरे पास पता चल गया कि राम मोहन और अनिल का अनुपात कितना जा रहा है 20 25 और 24। अब इनके तीनों का योग दे दिया है, इन तीनों का योग अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 69, और 69 बराबर 69 दे दिया, मतलब 1 बराबर 1 के दे दिया है, तो किसका पूछ रहा है, राम का पूछ रहा है, तो राम का 1 बराबर 20 है, तो इसका मतलब 1 बराबर 1 है, तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चल अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। बोला कि एक आदमी 2 घड़ी को प्रति 99 रुपए में बेचता है, एक पर उसको 10% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो कह रहा है तो उसको कितने परसेंट की हानि हुई होगी, ठीक है, हानि या लाभ हुआ होगा। आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई वस्तु एक ही दाम पर एक बार उसको लाभ होता है, एक बार सेम रेट से उसको हानि होती है, तो आपको एक डायरेक्ट फार्मूला पता होगा कि उसमें, तो पहले ये आपको जानना जरूरी है कि हमेशा उसमें कमी ही होती है, और कमी होती है तो कैसे कमी निकाली जाती है, अगर सेम रेट से एक बार लाभ होता है एक बार कमी होती है तो क्या होता है, सीधा कमी का फार्मूला क्या होता है, कमी बराबर क्या होता है x² / 100%, ठीक है, x² क्या होता है, जितने परसेंट की कमी या लाभ हो रहा होगा, तो 10 का हो रहा था तो 10² / 100%, तो क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, तो कितना आएगा 1%, तो कमी बराबर कितनी आ गई इसको 1% की कमी आ गई, और 1% कमी आई तो उसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और कह रहा है कि एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, उनमें से 40% महिला और 60% पुरुष ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तो मेरे मतों की प्रतिशत संख्या कितनी रही होगी। अगर मैं मानता हूँ 100% रहे होंगे टोटल, उसमें मेल फीमेल 100% रहे होंगे, तो क्या कह रहा है कि इसमें 40% महिला कर्मचारी है, मतलब महिला कर्मचारी कितनी है, महिला का मतलब फीमेल कर्मचारी 40% है, और तो रही कितनी होंगे, मेल कितने रहेंगे 60% रहेंगे ना। अब कह रहा है कि महिलाओं का 40% उसे मिलता है, तो 40 का जब 40% मिलेगा उसे, और कह रहा है प्लस
पुरुषों का 60% मिलता है उसको, 60 का 60% उसे मिल रहा है, मतलब 60/100 हो जा रहा है, एक से इसको काटेंगे एक से इसको, एक एक कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 4 × 16 + 6 × 36 तो कितना हो गया 52, मतलब 100 में से उसे कितने मिलने लगे, 52 मत मिले, तो उसका परसेंटेज कितना आ गया 52%, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला कि एक कंप्यूटर का मूल्य 30,000 है तो 25% की छूट के बाद उसका मूल्य क्या होगा, मतलब 25% छूट दिया तो क्या पूछा, 75% की वैल्यू पूछा, 75% का मान कितना होता है आपको, 3/4 होता है फ्रैक्शन मान, सीधा क्या करना है आपको 30,000 बड़े क्या कर देना है 3/4 का मान ज्ञात कर लेना है। 3/4 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, अगर आपको पता होगा इसको काटेंगे 7 × 28 और 4 × 5 = 20 तो कितना हो गया ये 7500 हो गया, और 7500 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है 75 यहाँ कितना होता है 225 होता है और गुणे 100 तो कितना हो गया उसका मूल 22,500 रुपये हो गया, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगले क्वेश्चन में बोला है कि तीन भागीदार किसी व्यवसाय में 2,000, 2,500 और 1,000 रुपए लगाते हैं, उनका लाभ कितना है 880 रुपए होता है, तो अंतिम भागीदार को कितना मिलेगा, मतलब लास्ट भागीदार को पूछा है कि कितना उसको प्रॉफिट मिलेगा। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति या एक से ज्यादा व्यक्ति किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके इन्वेस्ट ही उनके लाभ के, उनका इन्वेस्ट का परसेंट रेशियो जो होता है उसी के अकॉर्डिंग उनको लाभ मिलता है, ठीक है। तो कितना दे दिया, तीन भागीदार थे, मैं मानता हूँ क्या क्या ए बी सी, और इनका भागीदार का शेयर कितना था 2000, और ये कितना दे रहे थे 2500 दे रहे थे, और कितना दे रहे थे 1000 दे रहे थे इनको, और इनका रेशियो निकालेंगे अगर हम तो क्या आ जाएगा 2, 2, 2 और 4 से काटेंगे 5 × 5 = 20, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10 इनके शेयर का रेशियो कितना आ गया, अगर ये 4 रुपये लगाया, ये 5 रुपये और ये 2 रुपये लगा रहा था, तो कह रहे हैं इनका प्रॉफिट कितना है, तो इनके शेयर के हिसाब से इनका प्रॉफिट मिलेगा कितना 5 × 9 = 11, 11 बराबर कितना दे दिया 880, और पूछ किसका रहा लास्ट वाले का, मतलब सी का पूछ रहा था, 2 का मान पूछ रहा था, कितना आ जाएगा 880/11 × 2 तो कितना 8, 8 × 16 मतलब दूसरे वाले को कितना मिला रहा होगा 160 रुपये इसको लाभ मिला रहा होगा, और 160 रुपये लाभ मिला है तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बोल रहा है कि एक धनराशि का साधारण ब्याज की दर से 8% दर पर 5 और 6 वर्षों में परिपक्व, मतलब मिश्र धन कितना हो जाता है 11,200 रुपये और 1,120 रुपये और 1,184 रुपये हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा, मूलधन पूछा, एक वर्ष का डिफरेंस आपको दे दिया और कितने का परसेंट के बराबर दे दिया होगा, देखो डायरेक्टली अगर एक वर्ष का अंतर दिया, एक वर्ष का अंतर का मतलब 8% का मान कितना दे दिया, इन दोनों को जब घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगी, और 8% के अकॉर्डिंग कितना दे दिया 1184 हो जा रहा है उसका, 1184 और कितना 1120, इसमें से करेंगे तो 8% का मान कितना दे देगा, ये ब्याज कितनी आ जाएगी 8% क्रेडिट से एक वर्ष के लिए कितनी आ जाएगी 64 रुपये आ जाएगी, 1% का मान कितना आ गया 8 आ गया, तो 100% का मान पूछा था तो कितना आ जाएगा 800 इज द राइट आंसर, मतलब उसका मूलधन कितना रहा होगा 800 रुपये रहा होगा, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है 5 महिलाएं एक काम को 36 दिन में कर सकती हैं, यदि एक आदमी और एक महिला के कार्य करने का अनुपात कितना है 3:1 है, तो उस काम को समाप्त करने के लिए 5 पुरुष कितने दिन में कर लेंगे। देखो आपको दे दिया है मेल एंड फीमेल का जो कार्य करने की क्षमता है वो दे दिया है, कितना दे दिया है 3:1 दे दिया। अब बोला कि 5 महिलाएं हैं, तो 5 महिलाएं हैं, एक की स्पीड से काम करेंगे और 36 दिन तक काम करेंगे, तो इतना काम कर लेंगी। अब बोल रहा है कि 5 पुरुष, अब 5 पुरुष हैं तो वो कितने की स्पीड से काम कर रहे हैं 3 की स्पीड में और डी दिन में काम इसी काम को खत्म कर देंगे। अब इसी को सॉल्व करना था तो 5 × 5 कट गया, 3 × 3 = 12, 3 × 36 तो डी नंबर कितने दिन में खत्म कर देंगे उसको 12 दिन में उसको फिनिश कर देंगे, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला कि पानी से भरे एक गिलास में 2 छिद्र हैं, पहला छिद्र गिलास को 9 मिनट में खाली कर सकता है, दूसरा छिद्र को 3 मिनट में खाली कर सकता है, यदि दोनों के बहाव की दर स्थिर हो तो दोनों छिद्र एक साथ पानी
रिसने पर गिलास को कितनी देर में खाली कर देंगे, मतलब दोनों अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने टाइम में वो पूरी टंकी को या गिलास को खाली कर देंगे। ठीक है, तो आपको एक डायरेक्टली फार्मूला पता होगा, टी इक्वल टू क्या होता है, ए गुणे बी, ठीक है, और ए प्लस बी। ठीक है, टी बराबर कितना समय लेगा, ठीक है, कितना समय लेगा, ए ए का मान कितना दे दिया, 3 गुणे, और बी का मान 9 है, और कितना हो जाएगा, 3 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा, 9 × 27/12, ऐसे कर देंगे, नहीं तो यहीं पर काट देते हैं। ठीक है, 27/12, ओके ठीक करते हैं, तो 3×9 = 27, 3×4 = 12, और 3/2 कितना हो जाता है, ये 2 सही 1/4 हो जाता है। तो कौन सा कितना मिनट टाइम लगेगा, 2 सही 1/4 मिनट लगेगा, और ये ऑप्शन कौन सा आपका है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, ऐसे ये वाला क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, मतलब यही नहीं, इसी के कॉन्सेप्ट में मिलेगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगर दो व्यक्तियों के लिए, मतलब दो नल की बात करता तो आप डायरेक्टली इस पे लगा सकते थे। बोल रहा है तीन जॉगर्स, मतलब तीन दौड़ने वाले क्या है, एक्स से वाई तक दौड़ते हैं, उनकी गति कितनी है, 10:3:20 के अनुपात में है, तो इन जॉगर के गंतव्य तक पहुंचने का समय का अनुपात क्या होगा, समय का रेशियो पूछा है, डिस्टेंस हमारी फिक्स है। तो पूछा है देखो, तीन जॉगर्स थे ए बी सी, इनकी स्पीड, स्पीड का रेशियो कितना दे दिया है, स्पीड दे दिया है, लिख नहीं रहा है यहाँ पर, स्पीड दे दिया, स्पीड का रेशियो कितना दे दिया है इसका, बोल रहा है 10:3:20। ठीक है, अब बोल रहा है देखो स्पीड का अनुपात ये होता है, तो इसका उल्टा क्या होता है, मेरा टाइम का होता है, जब भी डिस्टेंस मेरी फिक्स हो तो टाइम का कितना हो जाएगा, 1/10:1/3:1/20, इन दोनों का तीनों का लासा लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, तो कितना हो जाएगा, इनका अनुपात 6, कितना 20, और इसका कितना हो जाएगा, 20 × 60, तो कितना हो जाएगा इसका, 6:20:3, तो ऑप्शन कौन सा इसका है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि एक नदी के बहाव के साथ कोई दूरी चलने में 3 घंटे का समय लगता है, और नदी के बहाव के विपरीत दूरी चलने में 9 घंटे का समय लगता है, कह रहा है शांत जल में 9 की चाल 4 किलोमीटर है, तो धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल का मान पूछा है, तो कैसे निकालेंगे। देखो अगर x क्या होता है, मेरी 9 की चाल होती है, 9 की चाल, ओके, y क्या होता है, धारा की चाल होती है, चाल, ठीक है। अब देखो जब x प्लस वाई मतलब धारा के साथ चलता है तो उसे 3 घंटा लगता है, और जब धारा के विपरीत चलता है तो उसे कितना, 9 घंटे लगते हैं। अब देखो यहाँ पर x का मान दे चुका है कितना, 4, और y का मान मुझे पता करना था यहाँ पर, और इसको 3 से अगर काटेंगे तो 3×1=3, 3×3=9, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3, तो यहाँ से क्या आ गया, 4+y = क्या आ जाएगा, 3, और यहाँ पर 4 का मान इसी वक्त रख लेते हैं, ठीक है, तो हाँ भी 4×3=12 हो जाएगा, कितना, 12 − 3y, तो यहाँ से करेंगे ये कितना हो जाएगा, 4y = कितना, 8, तो y का मान कितना आ गया, 8/2, तो कितना आएगा, 2 km/h, 2 km/h हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में 2 km/h दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। DMRC में क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली मेट्रो में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। दिया है 8, 0, 3, 317, 4, 1, 44 का माध्यिका क्या होगी, माध्यिका पूछा है, तो माध्यिका इसकी क्या होगी ये बताना है। एक क्वेश्चन और होमवर्क में रहेगा आपका, वो क्वेश्चन क्या अगला, वह है कि 1 3 मीटर लंबी व 2 मीटर चौड़ी नाव एक झील पर तैर रही है, कह रहा है एक आदमी उस पर सवार होता है तो नाव 1 सेंटीमीटर पानी में डूब जाती है, तो पूछ रहा है कि आदमी का भार कितना रहा। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप आई होप आप सभी लगाकर कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कमेंट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था आपके क्वेश्चन में, आप अपना स्कोर भी बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ है साथ ही साथ। तो इसलिए इसी तरह मैं आपके लिए लगातार वीडियोस और बेहतरीन क्वेश्चंस लाता रहूँगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियोस लेके आऊँ, मतलब कंटिन्यू मेरी वीडियो पढ़ती रहेंगी, तो आपको नोटिफिकेशन जरिए पता चल जाए, फिर वहाँ से आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं और क्वेश्चन भी देख सकते हैं।
जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जब जब तक एनटीपीसी का एग्जाम्स हो नहीं जाता, उसमें से आपको कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आए हुए हैं, ठीक है। तो लगातार आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है इन मैथ के क्वेश्चंस में, ठीक है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछेगा नहीं वो, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेगा नॉर्मल, फिर हार्ड, एक दो चार क्वेश्चन नॉर्मल, फिर ऐसे हार्ड। तो आप अपनी बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए, अच्छा स्कोर करिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, यही कामना है मेरी। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, जय हिंद।